एग्जांपल ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन। तो मैं सबसे पहले यहाँ आप जो भी स्लाइड्स मैंने आप लोगों को करवाई हैं उसमें सबसे पहले मैं एक कंपेयर का प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को करवाया था वो ले लेती हूँ। इम्यूलेटर मैंने यहाँ ओपन किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। और ये देखिए आप लोग के 6-5 होगा यहाँ पर, तो कोई कैरी फ्लैग या फिर कोई ज़ीरो फ्लैग एक्टिव नहीं होगा। अब यहाँ पर ये फ्लैग्स की स्क्रीन ऑन कर लेनी है, पहले आप इसको कम्प्लीट रन कर लें, उसके बाद जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए उसके बाद आप फ्लैग्स वाली ये जो फ्लैग की टैब देख रहे हैं यहाँ पर उसके नीचे आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है शो फ्लैग रजिस्टर्स, इसको ओपन कर लें। अब आप ये देखें कि साइन फ्लैग सॉरी कैरी फ्लैग भी ज़ीरो है आपका, ज़ीरो फ्लैग भी ज़ीरो है। बट जब मैं इसमें थोड़ी चेंजिंग करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 5 कर देती हूँ और यहाँ मैं कर देती हूँ 6, तो अब होगा क्या, अब होगा 5-6 होगा, 5-6। तो तब आप इसको इम्यूलेट करें, रन करें और इसके फ्लैग्स देखें, तो यहाँ पर आपको साइन फ्लैग भी नज़र आ रहा है, पैरिटी भी नज़र आ रहा है, एक्सिलरी भी नज़र आ रहा है। तो ये सारे फ्लैग्स हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। और कैरी फ्लैग मोस्ट प्रोबेबली आपने कंपेयर कमांड के लिए ये दो फ्लैग्स देखने हैं, कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग। तो कैरी फ्लैग इसमें एक्टिव है क्योंकि हमारा जो यहाँ पे 5-6 हो रहा है, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो लेसर देन सोर्स है, तो कैरी फ्लैग आपका एक्टिव है। तो बाकी फ्लैग्स भी एक्टिव हैं, उनकी भी जो आप जानना चाहें तो आप वो भी उसको भी सर्च आउट कर सकते हैं, देर ईजी, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट। आप लोगों सारे पढ़े हुए हैं, पैरिटी भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ वंस की तादाद को बताता है, एक्जिलरी कैरी पढ़ा हुआ है कि जो MSB के अलावा अगर कैरी आए कहीं कहीं पे तो उसके लिए ये होता है। तो ये बाकी भी आप देख सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कंपेयर कमांड के लिए वो है कैरी फ्लैग और ज़ीरो फ्लैग। अब ज़ीरो फ्लैग कैसे एक्टिव होगा वो देख लेते हैं, जब हम दोनों को इक्वल ऑपरेंड कर दें। यहाँ पर क्या होगा, 5-5, तो कंप्लीट रन करें। एक बात यहाँ नोट करना ज़रूरी है कि AX में भी 5 है, BX में भी 5 है। कंप्लीट प्रोग्राम रन कर चुकी हूँ मैं, लेकिन डेस्टिनेशन चेंज नहीं हुई, सोर्स भी चेंज नहीं हुआ। आंसर कंपेयर कमांड में स्टोर नहीं होगा डेस्टिनेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लैग्स पे इफेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर ज़ीरो फ्लैग आप लोगों का एक्टिव हो गया है, ज़ीरो फ्लैग इज़ एक्टिव एंड पैरिटी फ्लैग एक्टिव। और ये अदर फ्लैग है इसको भी डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पैरिटी फ्लैग इज़ नंबर ऑफ वंस, अगर आपके इवन हो तो पैरिटी फ्लैग एक्टिव होता है, ठीक है। तो अब ज़ीरोज़ जो है वो इवन में है, 0-0-0 तो भी ये एक्टिव है यहाँ पर। तो ये होगी हमारी कंपेयर की। इसके अलावा मैं आपको एक जंप का प्रोग्राम मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वी शुड पेस्ट ओवर हियर। चलें इसको सिंगल स्टेप में एमुलेट करेंगे ताकि हमें पता चले। सिंगल स्टेप में सबसे पहले 5 AX में मूव कर गया, उसके बाद 7 BX में मूव कर गया, उसके बाद जंप करना है पेन पे। और पेन क्या करवा रहा है, अब इसको पेन की बॉडी में चला गया तो इसमें इंस्ट्रक्शन है मल्टीप्लाई BX, यानी कि BX को मल्टीप्लाई करवाए किसके साथ, AX के साथ। तो 7 × अब होगा क्या नेक्स्ट में, 7 × 5 35 बनता है डेसिमल में, और उसका हेक्साडेसिमल यानी कि 23 हमें AX में डेस्टिनेशन में स्टोर होता हुआ नज़र आएगा। इसकी बॉडी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रिटर्न की, तो नेक्स्ट जब भी मैं करूँगी तो प्रोग्राम मेरा जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, रन, सही। तो ये हो गया आपका एक जंप का प्रोग्राम। जंप का एक और प्रोग्राम भी है जो कि ये है हमारे पास में, ये मैं चाहूँगी आप उसको खुद करें और इसे खुद समझने की भी कोशिश करें। उसके अलावा जंप फॉर कैरी एक प्रोग्राम में ये आप लोगों को परफॉर्म करके देना चाहूँगी, जो कि ये एक ट्रिकी वन है, तो ये मैं आप लोगों को परफॉर्म करके देना चाहूँगी। यहाँ पर भी इसको अगेन सिंगल स्टेप करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखें क्योंकि ट्रिकी वन था इसलिए मैं ये चाह रही थी कि मैं आपको करवा दूँ। एक तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर गलत लिखी हुई है, COMP नहीं होना चाहिए, यहाँ पर CMP होना चाहिए। अब इम्यूलेट करेगा, अब रिटर्न में अगेन क्लोज, यहाँ पर इसको हमने टी अगेन कैंसिल, इसको इरेज करें, अब इम्यूलेट कर गया, ठीक है। अब सिंगल स्टेप में
मूव ए एक्स कॉमा 07, 7 आपका ए एक्स में आ गया, मूव बी एक्स कॉमा 06,